हेलो एवरीवन, बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो दोपहर भी ही बीती जा रही है और हमारा खाना तैयार हो रहा है। जैसे कि सभी को पता है, मैं जो ब्लॉग डालती हूँ उसके जरिए, कि हमारे खाने का टाइम 4 बजे का होता है। तो बस जस्ट खाना बन रहा है तो कुकर की सीटियाँ बज रही हैं। हाँ, तो आज डायरेक्ट ब्लॉग मैंने सोचा यहीं से शुरू करूं, क्योंकि सुबह आज तो सुबह ही सुबह बाज़ार गए, वो शॉपिंग करके लेकर आए। राशन, आज राशन लाना था वो भी लेकर आ गए, और सारी चीज़ें जो खाना बनाने की थी, अब कुछ थोड़ी बाकी है जिसके लिए हम शाम में हमको फिर से नीचे उतरना पड़ेगा बिल्डिंग के। तो सारी शॉपिंग यानी हम करके रखेंगे महीने महीने भर की, बार बार हमको नीचे जाना नहीं पड़े। हम ऐसे ही मतलब जो भी राशन लगता है वो हम ऐसे ही शॉपिंग वगैरह करके रख लेते हैं, सारी चीज़ों की टोटल जो घर में लगती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ भर देंगे तो फिर बार बार आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती नीचे। तो हमारा तो आज जितनी की उतनी की, और जो थोड़ी सी बचती है वो इंशाल्लाह शाम में तक वो शॉपिंग भी हो जाएगी। तो आज डायरेक्ट मेरा ब्लॉग शुरू हुआ है मेरा खाना बनाने से। तो सीधे भी खाना बन रहा है तो अभी तो शुरू कर दिया है। तो अभी खाना बनाना है और ये घर की सभी काम चालू सभी फिलहाल। उसमें एक ये है कि अभी जो मार्केट से शॉपिंग करके आई हूँ सारे मसालों की, ये वो जो ख़त्म हो गए थे तो उनको मैं डिब्बे में भर रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो इसीलिए ये करते हुए ना मुझे ऐसे ब्लॉग बनाने हैं, और मुझे मतलब होता नहीं है मेरे से तो कि मैं यहाँ देखूँ या वहाँ देखूँ या वहाँ मारते हुए यहाँ मारते हुए, ऐसे लगेगा अकेले में ऐसे पागल पागल बोले जा रहे थे। ठीक है, मैं अपना सारा काम निपटाने के बाद में फिर ब्लॉग की तरफ ध्यान देती हूँ, फिर ब्लॉग पूरा करती हूँ। तो वरना वो गिर जाता है आपके ऊपर, तो इसमें से ये बच गया है कुछ इसमें, और मिर्च तो मुँह में लगी हुई है, जाने लगी तो वो मुंह में बजे तो जल रहा है। तो इस तरह ये मेरा काम हो रहा है। और हम नीचे गए थे तो मिर्ची लाना भूल गए, तो मिर्ची ये थोड़ी सी मिर्ची है तो ये खाने में डल गई, मतलब इतनी बस नहीं हो जाएंगी। तो मुझे अंदर जो रखा है मेरा मसाला पीस के वो लेना पड़ेगा खाने में डालने के लिए। तो इसको मैं ऐसे ही रख रही हूँ, फिर काम आ जाएगी यहाँ। ठीक है, ये हो गया, आप जीरा खाली कर, ये खाली करी पैक जीरा। फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये खाली करूँ, ये काम करूँ, ये ब्लॉग बनाऊँ। तो आपको समझते होंगे कि मैं दिखाती नहीं हूँ काम करते हुए, मगर मैं काम कर लेती हूँ सारा, वो भी ब्लॉग को बीच में रोक के फिर उसके बाद से शुरू करती हूँ। जब मेरा खाना बन के तैयार हो जाता है, सारे साफ सफाई हो जाती है, उसके बाद में मैं वापस कंटिन्यू करती हूँ। तो चलिए, फिलहाल तो सारे मसाले रखे जा रहे हैं। इसके बाद में जो मसाले मैंने यूज़ किए हैं, मतलब जो मेरा धनिया पाउडर बच गया है, जो मेरी ये दाल बच गई है मूंग की छिलके वाली दाल है ये, और ये सब्जा जो हमारे काम आया था पहले, इसको भी मुझे स्टेपलर करके रखना है वरना ये ख़राब हो जाएगा, ये भी वो भी और वो भी। फिलहाल मैं आपके घर में भी जो मसाले अगर डिब्बे में भरने के बाद बच जाएँ तो उस पर ऐसे स्टैटर साफ कर दीजिए, वो ख़राब भी नहीं होंगे और कीड़े वगैरह भी उसके अंदर नहीं जा सकते। तो ये देखिए, मैं ऐसे करती हूँ, पहले नहीं करती तो वो ख़राब हो जा सकता। तो ये देखिए, ये मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ, जिसके लिए ये मसाला मेरा भुन रहा है अभी। ऐसे तो मैं अक्सर नहीं बताती, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये मसाला देखिए मेरा भुन चुका है। अब इसमें चिकन और आलू पड़ेंगे दही के साथ में, नमक वगैरह, बाकी और कोई मसाला इसमें नहीं डलेगा, जितना डलना था डल चुका है ये। अब चिकन है, आलू है और नमक, और उसके बाद इसको होने देना है। तो देखा, आज मैंने बता दी। तो ये देखिए, ये बन रहा है और अभी थोड़ी देर में पुलाव बन के तैयार हो जाएगा, फिर हमने खाना है खाना।
तो बहुत ज़्यादा डिटेल में घुस के नहीं दिखाती हूँ, कट टू कट काम दिखा देती हूँ मैं कि ये हो गया है और उस तरफ धुल रहे हैं, कपड़े धुलने डाले हैं और बस क्या बताऊँ, भूख बहुत लग रही है तो अब सीधे खाना खाएंगे। ठीक है, तो आप भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने, ये भी तो बनेगा लेकिन आपको दावत पहले से। तो यहाँ जो बता रही हूँ, ये तो हमारा ये बेडरूम है जो स्टोर रूम बन चुका है, स्टोर रूम जैसा ही है ये बेडरूम। तो यहाँ ये देखिए सारे पसारे जो हम फौरन काम नहीं कर सकते वो यहाँ ला के डाल देते हैं कि बाद में करेंगे। तो इस तरह ये बेडरूम से स्टोर रूम बन गया, सारा काम जो फौरन नहीं होने वाला होता वो इधर ही पड़ा रहता है। ठीक है, तो अब हो रही है यहाँ की सफाई। तो ये यहाँ पर धुल गए हैं, हमारे कपड़े भी धुल के हो चुके हैं और वॉशिंग मशीन ने एंड दिखा दिया, यानी कि इसको बंद करना है। तो ये मेरे कपड़े भी धुल गए और अब इसको मैं बंद करूँगी, ये मैंने बंद कर दिया, ये देखिए बंद हो गई। तो ये धुल गए हैं कपड़े, जो कि ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से दिखाई नहीं देंगे लेकिन धुल के हो गए। तो ये तो हो गया काम कपड़ा धोने का और वहाँ बन रहा है खाना। तो यहाँ पर तो बन रहा है खाना, वहाँ मैंने दिखा दिया मेरा बेडरूम जो बन गया है स्टोर रूम, और कपड़े भी धुल के हो गए हमारे। अब कपड़े तय करने हैं और फ्री में मतलब प्रेस वाले को भेजने हैं, तो तय भी लगाएंगे और जो प्रेस के कपड़े उसको अलग करके प्रेस वाले को बुला के इनको दे देना होगा। तो अभी फ़िलहाल वो काम करने जाने, अभी इसमें हैं हम कि हम पहले खाना खाएं क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी है, बहुत तेज़ से लगी है। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि पहले खाना खाऊं, फिर कपड़े तय लगाऊं, फिर प्रेस वाले को बुला के दूँगा। तो यही अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि भूख लगी तो है सच। तो आपको तो पहले भी बुला चुकी हूँ और फिर बुला रही हूँ, क्योंकि इस अभी मैं वेट लेने जा रही हूँ थोड़ा सा, मतलब थोड़ा रुकने जा रही हूँ। किसका सारे मेरी ब्लॉगिंग के दुश्मन है, ये देखिए अभी ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया, करूँगी बीच में कुछ ना कुछ होगा, कभी केबल वाला आ जाएगा, सॉरी कभी नेट वाला आ जाएगा, कभी केबल वाला आ जाएगा, कभी तो फ़ोन आ जाएगा और ऐसे ही सारा कुछ आ जाएगा बनाने के बीच में। मेरे ब्लॉग ये रुकावटें हैं सारी, ये रुकावटें ये होती हैं कि ब्लॉग मत बनाओ, लेकिन मैं फिर भी बनाती हूँ। तो फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह खाना खाने के बाद ही मिलूँगी, क्योंकि कपड़े तय करने और जो अभी बताया वो सारा करना है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग पर। तो अब हो गई है मगरिब, घर में बैठे बैठे तो कहीं जाना हुआ नहीं, जो सवेरे जाके आए थे मार्केट बस उतना ही। फिर लगी बरसात, तो बरसात तो काफ़ी दिनों से लगी हुई है, तो अभी शाम में भी हमको जाना था मगर नहीं जाना हुआ क्योंकि बरसात हो रही है, बहुत बोर लगता है बरसात में निकलना बाहर। तो अब जो है तो इंशाल्लाह कल सवेरे का प्लान रखा है मार्केट जाने का, और फिलहाल मैं आ गई हूँ किचन में वापस से अपना फेवरेट काम करने के लिए। तो मेरा फेवरेट काम जो है वो आप सबको पता है, मेरा फेवरेट काम है कॉफ़ी बनाना। तो बच्चों को वैसे मैंने बोला कि कॉफ़ी बना दो, लेकिन उनको ठीक से नहीं आता, और एक को बड़ी वाली को बोला मैंने कॉफ़ी बनाने, तो उसने कहा कि पहले आज का दिन आप बना लो, कल से मैं बना लूँगी, यानी पहले मैं उसको सिखाऊँगी फिर वो बनाएंगे। तो फिलहाल तो फिर प्रोसीजर शुरू हो रहा है कॉफ़ी बनाने का, ये काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सारा मैंने दूध निकाल दिया ये, तो ये मैंने चढ़ा दिया इसको, टोप तो यहाँ से दिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये फेवरेट वाला काम हो गया। और घर में मैंने बहुत जब्बा सा जूला सा ये पहना है, क्योंकि मुझे लूज पसंद है। तो ये देखिए ये चील की तरह है, मुझे लूज पसंद है बहुत ज़्यादा, और बहुत कंफर्टेबल होता है लूज कपड़ा और बहुत आरामदायक होता है ये गर्मी में,
ठंड में, बरसात में कभी भी पहन सकते हैं, जैसे लेकिन फिट होता है ना वैसे मुझे बिल्कुल नहीं चलता। और अब मैंने अपनी कॉफ़ी चढ़ा दी है, अब मैं फेवरेट काम करूँगी इसमें शक्कर डालने का और कॉफ़ी डालने का। तो ये मेरा फेवरेट काम है कि मैं इसमें शक्कर डालूँ और फिर कॉफ़ी डालूँ, तो मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए फेवरेट काम मैं करने लगी। बस कभी ज़्यादा होगी तो ये डब्बा मेरे से बंद नहीं होता, सब मुश्किल पड़ती है डब्बा बंद करने के लिए। ये हो गया, फिर आपको तो बताया था मैंने वो दिन कॉफ़ी ये वाली, तो इसका छोटा चमचा कहाँ गया पता नहीं, तो उसके अंदर तक चला जाता है। ये मिल गया मुझे छोटा चमचा, अंदर तक पहुंच जाता है। तो मैंने छोटू से चमचा लिया है, ठीक है। और अभी आज मैं नीचे गई थी राशन लाने, तो मैंने एक और इतनी ही बड़ी बोतल ले ली है। तो मैंने एक डाल दी चम्मच इसमें, तो मेरी कॉफ़ी गिर गई थोड़ी सी, थोड़े कुछ दाने गिर गए, तो मैं उसको हटा के वहाँ से ही वहाँ कर दे रही हूँ। ये हो गया और ये है, ठीक है। थोड़ी सी मेरे साथ थोड़ी सी और ये हो गया, ये हो गया कॉफ़ी का प्रोसीजर सारा। अब बस इसको उबालना है और उसके बाद क्या करना है आप लोगों को बताओ, उसके बाद क्या करना है। पहले तो उबालना है, फिर कप में निकालना है, फिर जब ये ठंडी पानी हो जाएगी तो मुझे इसको पीना है। और आप लोगों को तो पहले ही दावत है, जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं या जो भी मुझे देखते हैं, तो वो मेरी फैमिली यूट्यूब की, तो आपको पहले ही दावत है कॉफ़ी पीने आ जाइए मेरे साथ, मेरे साथ हमारे साथ, ठीक है। तो फिर से खुले लफ्ज़ों में आप सबको दावत है, आप भी आ जाइए मेरे साथ कॉफ़ी पीने, क्योंकि खाना तो मैं खा गई, कॉफ़ी है। और ये है मेरा मग फेवरेट, ठीक है। तो कभी इस एंगल से कॉफ़ी बनाई, कभी इस एंगल से कॉफ़ी बनाई, आज इस एंगल से कॉफ़ी सामने सामने, तो ये बन गई। क्योंकि आज मेरा टाइम ऐसे एकदम चुटकी में जैसे पास हो गया कि सवेरे हुई हमारी सवेरे हुई लेट 10-11 बजे, फिर मार्केट गए, फिर मार्केट से आए, फिर खाना बनने में हमको आज 4:30 बज गए, मतलब 4 से भी लेट गया। उसके बाद में हमने खाया खाना 5 बजे तक, अब आराम करें 6 बज गए, 6 से ज़्यादा बज गए और हो गई मगरिब। और बरसात में तो वैसे भी अंधेरा होता है, तब तो अंधेरा ही, डल मौसम है बाहर से भी दिखाई तो डल मौसम, और अभी तो मगरिब भी हो चुकी है, तो बिल्कुल अंधेरा सा हुआ पड़ा है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश आएगी, मगर पता नहीं वो बारिश की वजह से ये वो मौसम की वजह से, ठीक है। तो बस आज के ब्लॉग में तो इतना ही, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कॉफ़ी बनाऊँ, कॉफ़ी निकालूँ कप्स में, आपको बुलाऊँ, आपको तो बुला चुकी हूँ, फिर भी एक टाइम और आप भी सब आ जाइए, मैं यूट्यूब फैमिली जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो आप सबको दावत है मेरे साथ, ये समझ लीजिए खाने की, कॉफ़ी की, चाय की, नाश्ते की, हर चीज़ की दावत है आप सबको, ठीक है। तो अब बन रही है कॉफ़ी, इसके बाद में थोड़ा टीवी देखेंगे, क्योंकि बाहर तो निकलना नहीं है, तो बोर तो हो रहे हैं, फिर थोड़ा लेटे अभी कॉफ़ी पियेंगे, फिर थोड़ा बैठेंगे, फिर थोड़ा टीवी देखेंगे और सो जाएंगे।
तो अभी होने लगी है मगरिब की अज़ान, जल्दी से ही कॉफ़ी बनाऊंगी, अज़ान ख़त्म होगी फिर मुझे मेरी बहन को मम्मी को फ़ोन करना है और मेरे कज़न्स को फ़ोन करना है। तो थोड़ी देर से रह जा रही है सोच सोच के कि मुझे कॉल करनी है, उन लोगों को कॉल करनी है, मतलब एक जो बाहर हैं हमारे रहते हैं उनको कज़न्स को कॉल नहीं होती, तो आज इंशाल्लाह सोच रही हूँ कर दूँ और मेरी बहन से भी बात कर लूँ कॉल करके। तो कॉफ़ी बना के मैं ये ब्लॉग एंड करके उनसे बात करूँगी, आई होप कि आज तो हो जाएगा क्योंकि मेरी बात कल भी नहीं हुई। तो ठीक है फिर अपने ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, इंशाल्लाह फिर कल मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में और एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।